दो तरह के डॉक्टर होते हैं, एक डॉक्टर अंबेडकर जैसे और एक होते हैं डॉक्टर घंटा। पहले आप डॉक्टर घंटा के बारे में देखेंगे और मैं हैंड टू हैंड आपको कंपैरिजन करके बताता रहूंगा कि डॉक्टर घंटा में और डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोगों में क्या अंतर है। डॉक्टर घंटा जो होगा वो डॉक्टर अंबेडकर की तरह बहुत सारी डिग्रियां लेगा, उसके नाम के आगे नाम के पीछे कई सारी डिग्रियां होंगी, उसको डिग्री लेने की जिद होती है। मगर वो ये मानता है कि अगर उसने डिग्रियां ले ली हैं तो वो डॉक्टर अंबेडकर की तरह हो गया, अब लोगों को उसका सम्मान करना चाहिए, अब लोगों को उसकी बात माननी चाहिए, अब लोगों के उसको उसकी दिशा पे निर्देश पे डायरेक्शन पे काम करना चाहिए, उसको ज्ञानी मानना चाहिए और जो उसने कह दिया वो आखिरी शब्द हैं, उस पर कोई जिरह नहीं, उस पर कोई बहस नहीं, क्योंकि आप उसके बराबर पढ़े लिखे हैं नहीं। और डॉक्टर अंबेडकर में और उसमें कोई अंतर नहीं है, उनके पास भी डिग्रियां थी और मेरे पास भी डिग्रियां थी, और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा भी है कि शिक्षित बनो, देखो मैं शिक्षित बन गया, अब तुम मेरी बात मानो। ये है डॉक्टर घंटा। ये कभी नहीं देखते कि डॉक्टर अंबेडकर ने कभी अपनी डिग्रियों का जिक्र कहीं नहीं किया, वो लगातार समाज में पढ़ाते रहते थे हर स्तर के आदमी को, जो उनके घर आया उसको भी और जिसके वो घर गए उसके भी, जहाँ सभाओं में बुलाया वहाँ भी, वो दिन रात लिखाई का काम करते रहते थे, समाज की किताबें लिखते रहते थे और मोर्चों पर भी डटे रहते थे और जहाँ कानून के हिसाब से संसद में भी डटे रहते थे। तो उनका पूरा जीवन बहुत कमाल का जीवन रहा है। मगर जो डॉक्टर घंटा है वो बाद की चीज़ नहीं देखते, वो कहते हैं कि नहीं, हमें डिग्री ले ली है, अब हमें आपने सम्मान करना है। तो डॉक्टर घंटा क्या करता है, एक तो वो अपनी ड्रेस को अलग तरह का पहनेगा, कपड़ा, कहेगा हमारी कुछ अलग पहचान होनी चाहिए, तो वो अलग तरह की कोई ड्रेस पहनेगा। फिर उसके बाद में वो कहीं बैठेगा तो बड़े अंदाज में बैठेगा, आपको पता चल जाएगा कि ये डॉक्टर घंटा है। वो बार 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 कुर्सी बदलता रहेगा, अगर आपने उसको मंच पे नहीं बैठाया तो वो नाराज होगा, 100% नाराज नहीं भी होगा, शो नहीं करेगा अपनी डिग्री की वजह से, तो वो आपसे कहीं ना कहीं खुन्नक खुंदस निकाल लेगा। उसको आपने बुलाना पड़ेगा और उसका भाषण सुनना पड़ेगा, अगर आपने उसका भाषण नहीं कराया तो वो आपका हमेशा के लिए शत्रु हो जाएगा, और भाषण में वो जो पेलेगा जो कहेगा वो आपने सुनना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, और जितना लंबा भाषण बोलेगा उतना ही आपने झेलना पड़ेगा, और वो लंबा बोलेगा, क्योंकि अगर वो लंबा भाषण नहीं बोलेगा तो उसकी डिग्रियां बेकार हैं, फिर आप उसकी विद्वता मानोगे नहीं, और वो शब्द भी ऐसे इस्तेमाल करेगा जो आपके सर के ऊपर से जाएंगे, चाहे आप भले ही उठ उठ के सारे जाते रहें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो बार 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 जब बोलेगा तो दो सेंटेंस सामने बोलेगा, चार बार वो मंच की तरफ देखेगा, मंच वाले लोगों से जबरदस्ती कहलवाएगा, ठीक कहा मैंने, ठीक कहा, उनको जबरदस्ती हाँ करना पड़ेगा। सारा भाषण जितना भी है वो रात को तैयार करता है, किताबों से ऐसे मोटे मोटे अक्षर या तो याद करके आएगा और या फिर वो लिख के लाएगा कागज़ पे कि आपको 100 साल तक भी पल्ले नहीं पड़ेंगे वो, जब तक आप PhD नहीं करेंगे। और उसे इस बात से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो डॉक्टर घंटा है, डॉक्टर अंबेडकर तो है नहीं। डॉक्टर अंबेडकर तो सीधे सरल शब्दों में सिखाएंगे आपको, भाषण देंगे तो आपकी भाषा में देंगे, मगर वो साहित्यिक भाषा में देगा और साहित्यिक भाषा उसके अलावा कोई समझ नहीं सकता, और उसको इसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि वो आप पे अपना बुद्धि विलास करने आया है, अपनी विद्वता का सर्टिफिकेट आपसे इशू कराने आया है, ताकि आप उसे कहें कि आप कमाल का बोले। जैसे कोई बहुत शायर होता है और वो ऐसी शायरी अरबी में पढ़ता है, बाकी सब लोग उसका मुँह ही देखते रहते हैं, वाह वाह भी करते हैं, कहीं गलती से पूछ ले क्या बोला, कह रहा जी इन्होंने वाह वाह किया, मैंने भी कर दिया, समझ में मुझे तो कुछ आया नहीं। यही वो डॉक्टर घंटा का कमाल है। डॉक्टर घंटा जितने भी घंटाओं से मिलेगा, यानी एक अकेला डॉक्टर घंटा नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर घंटा हैं, ये आपस में बजते रहते हैं, ये कभी इकट्ठे नहीं होंगे, ये इनकी पहचान है, ये एक दूसरे की कमियां निकालते रहेंगे, एक दूसरे के कपड़े फाड़ते रहेंगे और एक दूसरे की जो बुद्धि है विद्वंता है उसको चैलेंज करते रहेंगे, पर बड़े संयम तरीके से, बड़े पोलाइट तरीके से, बड़ी एकेडमिक भाषा में, बड़ी साहित्यिक भाषा में तमीज से बोलेंगे और तमीज से गला काट देंगे। आपको एहसास नहीं होगा कि इसने तमीज कम करते करते दूसरे वाले का कितना घंटा बजा दिया। ये इनकी खासियत होती है। और ये कभी एक साथ नहीं बजते, ये एक साथ कभी बजेंगे नहीं, क्योंकि इनकी विद्वता आड़े आ जाती है, वो जो बीच में लटकता है ना घंटा, वो आड़े आ जाता है, वो दिक्कत करता है इनको। ये डॉक्टर घंटा की पहचान है। एक डॉक्टर घंटा मुझे मिले, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य इसलिए है आप इनको पहचान लें और समझ लें। वो डॉक्टर घंटा पाली में बड़े विद्वान हो गए, उन्होंने PhD वगैरह पाली में की, तो मैंने कहा भाई आप मेरे को थोड़ा पाली पढ़ा दो, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरा थोड़ा ज्ञान और बढ़ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं तो छोटे छोटे बच्चों के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ, जानकारी बड़ों के हिसाब से तो बना नहीं पाता, बेहतर है कि आप बड़ों के हिसाब से वीडियो बनाएं, जानकारी दें, तो हमें भी जानकारी होगी और भी लोग बनाएंगे, पाली सीखेंगे, अच्छा होगा।
डॉक्टर घंटा ने कहा, हम तो बहुत बिजी हैं। जब आप काय में बिजी हो, या कोई पाली क्लास तो चल नहीं रही जी, यहाँ तो कोई पाली के स्कूल खुले हुए नहीं हैं, आप काय में बिजी हो गए, आपका पढ़ाई का सैटरडे संडे तो छुट्टी होती होगी। कह रहे नहीं, हमको वहाँ व्याख्यान करने जाता है, हमको वहाँ आख्यान करने जाता है, हमको वहाँ लेक्चर है हमारा, हमें वहाँ बुलाया है फलाने देश में, हमें वहाँ बुलाया फलाने देश में, हम जरा लिखने में व्यस्त हैं, अभी तो हमें टाइम नहीं है। तो मैंने कहा साहब, आप जो ये पढ़ा रहे हो, उससे जो आम जनता है, बाबा साहब की जनता है, जो बाबा साहब ने कहा है कि बुद्धं शरणं गच्छामि सीखना है, जो धम्म सीखना है, जो उन्होंने भगवान बुद्ध उनका धम्म दिया है, ये कब सीखेंगे जी हम, इसे कौन सिखाएगा जी। कह रहे नहीं, वो तो हमारे लेवल का है नहीं, वो तो बहुत छोटा है। पर साहब, छोटा कौन सिखाएगा जी, आप तो बाबा साहब का नाम पर पढ़ पढ़ के बड़े हो गए, इनको इनका क्या होगा। कह रहे नहीं, देखेंगे देखेंगे बाद में देखेंगे। और उनको माइक चाहिए, और उनको मंच चाहिए, और वाहवा चाहिए, और वो बहुत ऊंचे जो भिक्कू, बहुत जो लोग पढ़े लिखे हैं, उनमें रहना चाहते हैं, उनमें नाम कमाना चाहते हैं। गांव वालों से, नीचे वालों से, उनके लिए क्या लेना देना, क्यों वीडियो बना के अपना टाइम खराब करेंगे, कौन पढ़ाएगा। आपने वो कहावत सुनी होगी ना, कि जब आदमी पढ़ जाता है तो कहता है अपने घर वालों को, अपने सगों को क्या कहता है, अरे तुम तो गधे हो, तुम तो निकम्मे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, देखो मैं कर गया ना, तुम कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई तू कर गया, तुझे कहीं ना कहीं से कोई अप्रोच मिली करके गई, तो तू बाबा साहब से तुलना क्यों कर रहा है। बाबा साहब ने तो पूरे जीवन में पढ़ाया है, पढ़ाने का कह के गए हैं, पूरी जीवन लगा दिया, स्कूल भी खोले, कॉलेज भी खोले, धम्म दीक्षा भी कराई, लोगों को इकट्ठा भी किया, राजनीति भी संभाली, क्या क्या काम नहीं उन्होंने किए हैं। तो तुम एक काम तो करो, कम से कम पढ़े हो तो पढ़ाओ, तो तुम फ्री में आ जाते हो इस बात के लिए कि तुमको सम्मान दे, तुमको समाज तुम्हें सर पे बैठाए। और जब तुम्हें सम्मान सर पे नहीं बैठाता समाज, तो तुम कहते हो ये समाज निकम्मा है, पढ़े लिखों की विद्वानों की इज्जत नहीं करता। अरे भाई, इज्जत तो तब करेगा ना जब तुम काम करोगे बाबा साहब जैसा। अब तुम पढ़ गए हो, तुम डॉक्टर बन गए हो, पीएचडी तुमने कर ली है, तुम एजुकेशन ले ली, तो तुम निकल के आओ ना फील्ड में। इन्हें कौन पढ़ाएगा, इन्हें कोई अमेरिका से, मासाचुसेट्स से, या ऑक्सफोर्ड से, या क्या बोलते हैं कोई बुफेलो यूनिवर्सिटी से थोड़ी आने वाले प्रोफेसर पढ़ाने के लिए। इन्हें तो आप ही पढ़ाओगे, आपका दायित्व है। बाबा साहब ने कहा है एजुकेट होना है, तो एजुकेट होना कैसे, कोई हवा में एजुकेट हो जाएगा। तुम आके करोगे एजुकेट तो होगा, जब तुम आओगे नहीं तो ये क्या एजुकेट होंगे। तो फिर तुम भी ख़त्म हो जाओगे, तुम्हारे अधिकार भी ख़त्म हो जाएंगे, तुम घंटा ही बजाते रहना, क्योंकि तुम एजुकेट होकर नौकरियां मांगते रहोगे, और संघर्ष पीछे होगा नहीं, संगठन पीछे होगा नहीं, क्योंकि तुमने बाबा साहब की एक बात मानी, और वो भी अधूरी मानी, और दो बात तो मानी नहीं, ना तो तुम संगठित हुए। तुम सारे घंटे एक साथ बजते तो सामने वाले का कानना फूट जाता। तुम अलग 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 करके तुमने एसोसिएशन बना रखी हैं, अलग अलग तुम घंटे बजा रहे हो, तो घंटे कहाँ रह गए, तुम तो घंटी हो गए, तो घंटी रह गए, तो घंटी की आवाज़ कौन सुनता है। घंटी तो बजती रहती है, बड़ी सुरीली लगती है, बजती रहे, उसका क्या नुकसान है। घंटा बजेगा, सारे घंटे एक साथ बजेंगे, कान फोड़ेंगे, तभी तो लोग कहेंगे भाई घंटा बंद करो इसको, कुछ मिलने वाला है, कुछ तुम्हें जो चाहिए वो ले ले लो। तो ये डॉक्टर घंटा हैं, ये डॉक्टर घंटा आपको हर जगह मिलेंगे। इनको बार बार कहो आप कि मिस्टर डॉक्टर घंटा, आप जो कर रहे हो उससे कुछ नहीं होने वाला, आप थोड़ा सा हमारा काम देखिए। और एक बात ध्यान रखें, जो डॉक्टर अंबेडकर जैसे मिले हैं आपको प्रोफेसर, जो लगे हुए हैं इस काम में, जो बहुत मेहनत से लगे पड़े हैं और लोगों को पढ़ा रहे हैं, उनको आप नमस्कार करें, एक बार झुक के उनका धन्यवाद करें। और अगर कहीं डॉक्टर घंटा मिल जाए तो कमर के बल झुक के तीन बार नमस्कार करें, उनको एहसास कराएं कि तुम डॉक्टर घंटा हो। तीन बार नमस्कार करोगे वो समझ जाएगा कि मैं हूँ तो कुछ नहीं है, तीन बार नमस्कार कर रहा है, मेरी खिल्ली ही उड़ा रहा है। तीन बार नमस्कार करने का सिंबल बना लो, ये डॉक्टर घंटे ठीक हो जाएंगे, आपका समाज ठीक हो जाएगा। क्योंकि जिस समाज का जो शिक्षक वर्ग है, जब वो अपना दायित्व भूल जाता है तो समाज भटक जाता है। भारत के अंदर ये एक दिक्कत है कि जिस समाज के टीचर हैं उसी समाज को पढ़ा रहे हैं, एक समाज का टीचर दूसरे समाज को नहीं पढ़ा रहा। अगर ऐसा होता तो पूरा भारत पढ़ जाता। डॉक्टर घंटा की पहचान करने के लिए आपको एक बात खास ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर बातचीत करते हुए या माइक पर किसी मीटिंग में अनाउंस करते समय अगर आपने उनकी डिग्रियों का बखानी किया उनके नाम के साथ, तो वो आपसे अंदर तक नाराज हो जाएंगे। हो सकता है आपकी मीटिंग छोड़ के चले भी जाएं, या आपको अपने भाषण में दो चार सुना भी दें। जो डॉक्टर घंटा हैं, ये क्या करते हैं कि अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए, बुद्धि विलास के लिए किताब लिखते हैं, और किताब में अपने दुनिया भर के आइडियाज जो इम्प्रैक्टिकल होते हैं, यानी प्रैक्टिकल में नहीं आ सकते, प्रैक्टिस नहीं हो सकती उनकी, व्यवहार में नहीं आ सकते, सारे काल्पनिक और अव्यवहारिक होते हैं, और बड़ी मोटी किताब वो लिखते हैं रिसर्च करके। रिसर्च करना क्या है, 500 किताब इकट्ठी कर ली, वहाँ से कहीं ना कहीं कुछ पढ़ा, और उस सबकी एक खिचड़ी बनाई और उस किताब में डाली। उस किताब को वो लिखेंगे, शान से उसको पब्लिश कराने के लिए बाकायदा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज करेंगे।
बड़े बड़े नामों को बुलाएंगे, बड़े बड़े जगह करेंगे, फिर उस किताब की खुशामद करते हैं, कोई इसको बेच दे, वो बिकती नहीं है तो थैले में रख के या सूटकेस में रख के या बैग में रख के खुद ही शॉपकीपर बन जाते हैं, खुद ही किताब की बेचने के सेल्समैन बन जाते हैं, और वो नहीं बिकती है तो कई बार उसे आधी कीमत पे या फ्री में भी देनी पड़ती है, उसे दे देते हैं और सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो हम कितने बुद्धिमान हैं, इस किताब को पढ़ना तब तुम्हें पता चलेगा। कहीं उनसे आप अगर गलती से फ़ोन कर दो और कह दो कि डॉक्टर साहब या फिलोसोफर साहब या प्रोफेसर साहब या फलाने साहब या फलाने साहब और आप कैसे हैं और आपका ये है, तो फिर आपका फ़ोन एक घंटे से पहले छूटेगा नहीं, पूरी फिलॉसफी आपको सुना देंगे और आपको सुननी पड़ेगी, नहीं सुनेंगे तो फिर वो आपके दुश्मन हो गए। ये जितने भी डॉक्टर घंटा हैं ये समाज में समाज की एनर्जी को खराब कर रहे हैं। बेसिकली छोटी छोटी बात तो ये बताते नहीं है क्योंकि छोटी छोटी बात शायद इनको आती भी नहीं है, तो छोटी छोटी बात ये कभी बताते नहीं, समाज की व्यवहारिक चीज़ ये कभी बताते नहीं, समाज में कैसे संगठन बनेगा कैसे इकट्ठा होगा उसकी सारी काल्पनिक बातें बताएंगे। कहीं इनको कहीं सेमिनार में या कहीं चर्चा में या डिस्कशन में अगर आप उनको बुला लो तो बिल्कुल अलग हटके थ्योरी बताएंगे आपको, क्योंकि अगर आपके जैसी बता दी आपके हाँ में हाँ कर दी फिर तो वो डॉक्टर घंटा किस बात के रहे, फिर तो आप और उनका बुद्धि का लेवल बराबर हो गया। इसलिए बिल्कुल हटके नई चीज खोज के कहीं से ढूंढ के ऐसे शब्द जो कहीं बाहर की किताब में हो या किसी बाहर के आदमी ने रिसर्च करके लाया हो या उसके मतलब के हो, हमारे मतलब के हो या ना हो, वही बोलेगा वही बताएगा, उन पे अड़ा रहेगा और बार बार आपको इस बात को कहेगा हु आर यू, तुम कौन हो, मैं डॉक्टर घंटा हूं, देखो मेरी कितनी सारी घंटियां हैं कितनी सारी डिग्रियां हैं। ये बहुत ही नुकसानदायक स्थिति है क्योंकि कोई आदमी डॉक्टरेट करे, कोई प्रोफेसर बने, कोई पढ़ा लिखा हो, कोई हो, तो उसका काम है कि जिस समुदाय से वो आया है उस समुदाय के छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक को कैसे वो सामग्री दे, कैसे वो मटेरियल दे जिससे कि वो बच्चे बढ़ें। उनको सीधा पीएचडी का फिलॉसफी का फार्मूला नहीं चाहिए, उनको तो वो चाहिए जो उन्हें समझ में आता है। जैसे भगवान बुद्ध जैसा व्यक्ति होता था वैसा ही सिखाते थे, उसके घर पर जाके सिखाते थे, अपने टीचर्स भेजते थे कि जाओ, और टीचर्स भी क्या थे कि तुम्हें सिर्फ एक टाइम की रोटी लेनी है और रोटी लेने के बाद तुम्हें कुछ नहीं लेना है, तुम्हें दो जोड़ी कपड़े मिलेंगे, वो भी कपड़े जब मिलेंगे जब तुम्हारे फट जाएंगे, हमेशा एक जोड़ी धोने के लिए और एक जोड़ी पहनने के लिए, इसके अलावा कोई तुम्हारी संपत्ति नहीं है। मगर यहां तो उन आप देखो कि सबसे पहले तो वो अपना नाम आगे पीछे इतना बड़ा लिखते हैं, वही उनकी संपत्ति है, वही उनका अभिमान है, वही उनका गर्व है, वो उसके मारे मरे जाते हैं, कितना अहंकार है, समाज की तो चिंता नहीं। क्योंकि जितने ये डॉक्टर बने हुए हैं, जितने डॉक्टर घंटा हैं, अगर एक डॉक्टर अम्बेडकर इतनी क्रांति कर सकते हैं तो आप सोचिए कि अगर ये घंटा नहीं होते तो कितनी बड़ी क्रांति अब तक हो चुकी होती। हो सकती है मेरी बात किसी को बुरी लगे, बुरी लगे तो अच्छी बात है, मगर सारे डॉक्टर घंटा नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के कदमों पर चल रहे हैं और अपना जीवन और अपनी ऊर्जा लगातार लगा रहे हैं। उनके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद हैं और बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sangham.
अच्छा।